कोई उसको नोटिस नहीं करता। चटनी अकेले सर्व नहीं होती, चटनी हमेशा समोसे के साथ होती है, इडली के साथ होती है या डोसे के साथ होती है। पर एक ऐसी चीज़ है, अगर ना हो तो उसकी कमी बहुत खलती है, खाने का स्वाद नहीं आता। चटनी एक ऐसी कहानी है लोगों के बारे में जो आपको बहुत ही साधारण दिखेंगे, बहुत ही नॉर्मल। अगर आप अपनी गाड़ी में बैठे हैं और ऑटो में बैठे हुए किसी को देख रहे हैं या बस में किसी को देख रहे हैं, तो आपको लगता है कि आप उनको नोटिस नहीं करेंगे। अक्सर मैं सोचती थी कि ऐसे लोगों की कहानी होगी तो क्या कहानी होगी, क्योंकि इतने साधारण लोग हैं, इतने अननोटिसेबल हैं, पर इनकी भी अपनी यूनिक कहानियाँ होती हैं, इनकी कुछ कुछ इंटरेस्टिंग बात होती है क्या ऑर्डिनरी लोगों की लाइफ में, क्योंकि वो ग्लैमरस नहीं है, रिच नहीं है, बड़ी गाड़ियों में नहीं बैठते हैं, शायद देखने में भी उतने अच्छे नहीं है, कि उतनी एजुकेशन नहीं है, तो क्या कहानी है ऐसे लोगों की। सो दैट इज़ हाउ आई थॉट अबाउट दिस स्क्रिप्ट एंड रोट इट अलॉन्ग विद ज्योति हु इज़ द डायरेक्टर, एंड अवनीश मिश्रा हु इज़ ऑल्सो हेल्प्ड अस विद द एडिशनल डायलॉग्स एंड विद द एक्सेंट। एंड मैम, बात करें आपके करियर की, लाइक टीवी, शॉर्ट मूवीज एंड फीचर फिल्म्स, कमर्शियल हिट, सब कुछ करें, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस, कि कितना टीवी में डिफरेंस है, टीवी के लिए डिफरेंस है, या शॉर्ट मूवी, फीचर्स फिल्म, व्हाट इज़ द डिफरेंस वर्किंग, मतलब वर्किंग एक्सपीरियंस का? टीवी जो मैंने किया है हैज़ बीन 24, जो कि बेयरली उसको आप टेलीविज़न, बड़ी मुश्किल से कहोगे तो उससे टेलीविज़न कहोगे। एक्चुअली इट्स मोर लाइक 10 फीचर फिल्म्स, शूटिंग 24 वॉज लाइक दैट। बट इट्स एग्जॉस्टिंग, टेलीविज़न में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। शॉर्ट फिल्म्स तो एक ही की है, ये मेरी अपनी फिल्म है, तो यू नो इट्स अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। फिल्म्स इज़ लिटिल बिट मोर रिलैक्स्ड, आप डिटेल में काम कर सकते हैं, आप अच्छे से काम कर सकते हैं। आई लाइक थिएटर, क्योंकि उसका रिस्पॉन्स इमीडिएट होता है, अगर आपने अच्छा कुछ किया है तो ऑडियंस उसी टाइम आपको रिएक्शन देती है, वेट करना बहुत मुश्किल होता है। एंड एनी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जहाँ पे आपको ऑडियंस देखना, मतलब वेट करे आपके प्रोजेक्ट्स का? आई थिंक फिलहाल तो दे शुड सी चटनी एंड गिव अस अ रिस्पॉन्स, क्योंकि आज ही रिलीज़ हो रही है ऑनलाइन, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। 3-4 महीने की बहुत कड़ी मेहनत हम लोगों ने की है, द होल टीम हैज़ गॉन इन टू अ लॉट ऑफ एफर्ट टू मेक दिस फिल्म। इसके बाद वी प्लानिंग टू प्रोड्यूस अ शॉर्ट, इसके बाद वी प्लानिंग टू प्रोड्यूस अ फीचर, एंड दैट्स वॉट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट ऑल्सो। व्हाट इज द डिफरेंस लाइक एक्टर देन प्रोड्यूसर, तो ज़्यादा हेक्टिक काम कौन सा है, एज एन एक्टर और अगर प्रोड्यूसर? खाली प्रोड्यूस कर रही होती तो बहुत अच्छा होता, बट आई वॉज प्रोड्यूसिंग एंड एक्टिंग, विच वॉज क्वाइट डिफिकल्ट, बिकॉज हेड स्पेस आपका अलग होता है, एक आपका क्रिएटिव साइड है, दूसरा आपका ऑर्गेनाइजिंग साइड है, दोज आर वेरी डिफरेंट साइड्स ऑफ योर ब्रेन। पर इट वॉज, अगर मुझे दोबारा करने को कहा जाए तो मैं खुशी खुशी दोबारा करूँगी। आई हैड द बेस्ट टाइम, वी मेड द फिल्म वी वॉन्टेड टू मेक, जैसा हमने सोचा था एग्जैक्टली वैसी बनी है फिल्म, शायद उससे भी बेहतर, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो कि ऑडियंस को कैसी लग रही है, क्योंकि ये पहली ऑफरिंग है हमारी, मेरी कंपनी ईस्टर्न वे की तरफ से, एंड वी वॉन्ट टू सी कि इस फिल्म का जो हम सोच रहे हैं कि लोगों को खलबली मचेगी, गुदगुदी मचेगी, उनको एक्साइटमेंट होगी देख के, आई होप कि वो रिस्पॉन्स आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you.